मुझे पता है तेरी कोई याददाश्त नहीं गई। परी पर झूमर तूने ही गिराया है। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रब किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है। नीति का ये सच जानने के बाद क्या होगा परी का अगला कदम? परी को मारने के लिए नीति और राकेश ने मिलाया हाथ। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से नीति बार बार ये कोशिश करने में लगी है कि बस मैं परी को जान से मार ही दूं। मुझे पता है तेरी कोई याददाश्त नहीं गई। परी पर झूमर तूने ही गिराया है। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रब किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है। नीति का ये सच जानने के बाद क्या होगा परी का अगला कदम? परी को रास्ते से हटा दूं ताकि मैं संजू की हो जाऊं। संजू पर मेरा हक है, उसके परिवार, उसके घर बार पर मेरा हक है, और इसीलिए नीति किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। ताईजी, राजीव, सबको शक है यहाँ पर नीति पर। दूसरी तरफ नीति ने हाथ मिला लिया है राकेश के साथ, क्योंकि चाहे अमृत की बात करें या झूमर गिरने की बात करें, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी परी जिंदा है। घर में हो चुकी है गुरुजी की एंट्री, जो कि बताती है भविष्यवाणी करके कि परी की जान वाकई खतरे में है। परी की जान को बचाने के लिए अगर कोई जाएगा तो उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे में भले अब क्या किया जाए, ये बात घर वालों को समझ भी नहीं आ रही है। इसी बात का नीति फायदा उठाती हुई दिखाई देगी। नीति कहती है अपने आप से, जो हुआ सो हुआ, मैं गलत थी, हो गया, लेकिन अब कुछ ऐसा करूंगी कि परी बस चली जाए और मैं और संजू हमेशा के लिए एक हो जाए। राकेश और नीति मिलकर एक बार फिर से परी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव एक बार फिर से परी को कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है तुम्हें खोने से, लग रहा है कुछ तो गलत होने वाला है। गुरुजी ने जब ये बात परी से भी कह दी तो परी अभी भी नहीं समझ पा रही है, और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि परी इतनी भोली कब से हो गई है। खैर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।